हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आप सभी को आईटीआई स्टडी 2.0 चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वेल्थ क्लास दिगंत भाग 2 का गद खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला था, जिसमें मैंने पार्ट 1 वीडियो पिछले वीडियो में डाल दिए हैं और आप लोग को ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो पिछले 8 चैप्टर था जो मैं क्लियर कर दिया था, आज 9वां चैप्टर है जो कि प्रगीत और समाज है। तो दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो दोस्तों, नामवर सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। तो दोस्तों, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। तो वो प्रबंध काव्य थे दोस्तों, प्रबंध काव्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। पंचायती राज में क्या खो गया है। तो ईमान खो गया है दोस्तों। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, वो निराला की है दोस्तों। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, तो दोस्तों मेघदूत। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो वो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को नामवर सिंह की जन्म हुआ था दोस्तों। आगे चलिए, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है दोस्तों, तो वो निबंध है। प्रगीत और समाज कौन सा विद्या से है, तो निबंध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे दोस्तों, तो आलोचना के संपादक कौन थे, नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक है दोस्तों कौन है, नामवर सिंह। और सुर सागर क्या है, सुर सागर चंपू काव्य है दोस्तों। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो वो पृथ्वीराज राजसों की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, पीड़ित है जो कि नहीं है दोस्तों। इस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, तो दोस्तों प्रबंध काव्य है क्योंकि पूर्ण दृश्य होता है। नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, तो वो पृथ्वीराज राजसों की भाषा। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो वो नामवर सिंह ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो वो नामवर सिंह लिखा है। इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह ने लिखी है, तो वो वाद विवाद संवाद और कविता के नए प्रतिमान, यानी कि ए और बी दोनों दोस्तों। नामवर सिंह का जन्म का स्थान कहाँ है दोस्तों, तो दशाश्वमेध घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नामवर सिंह के माता पिता थे, यानी कि माता पिता के नाम क्या था, तो दोस्तों बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 9 नंबर चैप्टर था जो कि खत्म हो गया है,
और हम लोग फिर 10 नंबर को 10 नंबर चैप्टर पे आ गए हैं दोस्तों। तो 10 नंबर चैप्टर का नाम जूठन है दोस्तों, जूठन है, और इसका लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है दोस्तों। तो चलिए इसके भी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था दोस्तों? तो कलीराम था नाम। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो वो उपयुक्त सभी है, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथा कर्म सम्मान, तो ये सभी है जो कि वाल्मीकि के द्वारा रचा गया है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जूठन क्या है? जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है, और जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो वो भी आत्मकथा हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन 2009 में, 15 में और 18 में पूछा गया दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग ये विद्या वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, तो आप लोग एक वीडियो में इसका ट्रिक जरूर देखिएगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है दोस्तों? तो जूठन है दोस्तों। जूठन के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। और कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा दोस्तों? तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि था दोस्तों। कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? तो दोस्तों पिताजी थे जो मुंशी जी कहते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो वो सभी हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में किसकी चित्रण हुआ है दोस्तों? तो वो सामाजिक विषमता का है दोस्तों, यानी कि जाति भेदभाव का इसमें दिया गया है। हेडमास्टर जी ने जो थे इस ओम प्रकाश वाल्मीकि को काफी परेशान किए थे। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था दोस्तों? तो वो सुखदेव सिंह त्यागी के थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है दोस्तों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। आत्मकथा लेखक की माँ, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तगा के घर में। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ओबा अब नहीं, अब और नहीं। तो आगे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है दोस्तों? तो वो दलित आंदोलन। कौन सा मास्टर है वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यह किसका कथन है दोस्तों? तो उसके पिताजी, जो लेखक के पिताजी थे, वो उसके ये कथन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। मुजफ्फरनगर था दोस्तों, मुजफ्फरनगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन चैप्टर का भी क्वेश्चन समाप्त हो गया, और हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि 11 चैप्टर है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मल्लिया जी दोस्तों, मल्लिया। तो चलिए इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देख लेते हैं हम लोग। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मल्लिया। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है दोस्तों?
तो डायरी डायरी है जो कि हंसते हुए मेरा मैकलन। विद्या से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग 2018 में पूछा गया था। तो आप लोग कोई भी चैप्टर को पूछ दिया जाएगा कि ये चैप्टर किस विद्या से संबंधित है, तो आप लोग को बताना होगा। तो इसका भी मैंने बहुत ही आसान ट्रिक लाऊंगा जिससे आपको याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए पृथ्वी शीर्षक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो मलयज। हंसते हुए मेरा कालापन के लेखक कौन है? मलयज। और मलयज का जन्म कब हुआ था दोस्तों? मलयज का जन्म कब हुआ था? तो वो 1935 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1935 ईस्वी में मलयज का जन्म हुआ था। और आगे देखिए, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो आजमगढ़ में हुआ था। और मलयज का मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है दोस्तों? तो वो द्वंद्वात्मक होता है। मलयज के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों त्रिलोकीनाथ। कौन सी रचना मलयज की है? तो दोस्तों कौन सी रचना है जो कि मलयज की है? तो कविता के साक्षात्कार है जो कि मलयज की रचना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरक्षा कहाँ हो सकती है दोस्तों? तो वो चुनौती को झेलने में। कविता संग्रह है दोस्तों, जख्म पर धूल है जो कि कविता संग्रह है। और कौन सी रचना मलयज की नहीं है दोस्तों? तो वो सुनो राधिके। मलयज की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? मलयज की मृत्यु कब हुई थी? 45 वर्ष की उम्र में हुई थी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीत ही नहीं यार्थ वह रचिता भी है। तो किसका है दोस्तों? हंसते हुए मेरे कलापन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तिरिच शीर्षक यानी कि देख सकते हैं दोस्तों, दोस्तों वो भी चैप्टर समाप्त हो गया और हम लोग तिरिच चैप्टर में आ गए जिसके लेखक उदय प्रकाश है दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं दोस्तों? तो वो 55 साल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो वो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। तिरिच किस प्रकार की रचना है दोस्तों? तो वो आधुनिक त्रासदी है। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? तो उदय प्रकाश है। यानी कि देख सकते हैं ये ऊपर वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर याद कीजिए फटाफट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो हम लोग काफी इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है दोस्तों? तो कहानी संग्रह है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था दोस्तों? तो थानू के साथ गया था। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो दीनमान। उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कहाँ हुआ था? सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिच कैसी कहानी है दोस्तों? तो तिरिच है प्रतीकात्मक। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था नाम था? तिरिच कहानी में पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? तो राम स्वास्थ्य स्वारथ प्रसाद था दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदय प्रकाश जी किस अंग्रेजी पत्रिका के संपादन किए? तो एमिनेंस। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है दोस्तों? तो वे दरियाई घोड़ा। तिरिच लेख का संबंध किनसे है दोस्तों? तो लेखक के पिताजी से। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? संडे मेल नई दिल्ली। यानी कि देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है दोस्तों? तो टूटा हुआ पुल है जो कि नहीं, और बाकी सब है दोस्तों। यानी कि सभी कृति हैं जो कि लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा, और टूटा हुआ पुल है जो कि उदय प्रकाश के द्वारा नहीं लिखा गया है। उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी है। यानी कि सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात के हारमोनियम, रात में हारमोनियम। कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है? तो दोस्तों कलाकार। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो गंगा देवी का प्रेम कुमार सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आ गया है शिक्षा। शिक्षा जिसके लेखक जय कृष्णमूर्ति हैं दोस्तों, इसके भी फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सी डब्ल्यू लीडबेटर किनमें बीस शिक्षा का रूप देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 2022 और 21 दोनों में पूछा गया है, तो 2024 में भी जरूर पूछ दिया जाएगा, तो आप लोग याद कीजिए जय कृष्णमूर्ति में। शिक्षा शिक्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता रहेगा तो सत्य का खोज होगा दोस्तों। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है दोस्तों, तो वो जय कृष्णमूर्ति है दोस्तों। शिक्षा है जो कि निबंध है दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि निबंध कौन है, तो विद्या किस विद्या से आता है, तो निबंध से। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति है दोस्तों। जहाँ भय है वह मेधा नहीं हो सकता। किस पठित पाठ की उक्ति है दोस्तों, तो वो शिक्षा है दोस्तों। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना कौन है दोस्तों, तो वो शिक्षा है दोस्तों। जय कृष्ण मूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया है, तो तीनों शिक्षा दर्शन अध्यात्म अध्यात्म। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 12 मई 1895 को। और जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का क्या नाम था दोस्तों, संजीवम्मा एवं नारायण जिद्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है दोस्तों, तो कैसा है, बड़ा कठिन है दोस्तों। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है दोस्तों, तो ये जय कृष्ण मूर्ति की है। और संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है दोस्तों, तो नाश की ओर है जो संपूर्ण विश्व अग्रसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जय कृष्ण मूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए दोस्तों, तो उपयुक्त सभी है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन, कृष्ण मूर्तिज नोटबुक। जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था दोस्तों, तो वो 17 फरवरी 1986 को हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों, तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग को यही था, कितने चैप्टर है, यानी कि आप लोग को 13 चैप्टर है जो कि हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य खंड में दिया गया है। 13 चैप्टर जो कि जिसका अंतिम चैप्टर शिक्षा है, और फर्स्ट चैप्टर कौन सी है दोस्तों, बातचीत है दोस्तों। तो आप लोग को पूरा समाप्त कर दिए हैं 2 पार्ट में। अगर पार्ट 1 देखना है तो वीडियो को लिंक मैं दे दिया हूँ इसी डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा के लिए पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।